देखो क्या दारू का बोतल कोई पी के फेंक दिया इधर। सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं कहीं और वहीं आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा जगह है। तो चलते हैं गाइज फटाफट और वहीं आप जाके आपसे मिलते हैं। सोच रहे हो गाइज आप तो हम जा रहे हैं अपना मेरा हीरो होंडा से। चलते हैं फिर मिलते हैं। देखो गाइस ये था अचार वाले अंकल। गाइस अचार वाले अंकल का अचार बहुत टेस्टी रहता है, चाहे वो मिर्चा अचार खाओ, नींबू अचार, हर तरह का अचार इनके पास है गाइस। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वाकई में। तो गाइस हम जा रहे हैं अपना साइकिल में, आप देख ही सकते हो और ये काफ़ी बढ़िया स्पीड में चल रहा है गाइस साइकिल रास्ते में है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये इस जगह का नाम गाइस बिरसा मुंडा ग्राउंड बोलते हैं गाइस, बिरसा मुंडा क्लब भी बोलते हैं बहुत लोग। तो गाइस यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वोग्राम होता है तो गाइस यहीं पर होता है। वैसे कुछ चाहे नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होता है गाइस, यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वो संथाली या समाज लोग का जो भी प्रोग्राम वोग्राम होता है। तो गाइस चलो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये बोर्ड देखो क्या लिखा है, वन एवं पर्यावरण विभाग झारखंड सरकार धालबोम प्रखंड मुसाबनी वन क्षेत्र। तो ये मुसाबनी वन क्षेत्र का अंदर आता है। तो गाइज और चलो ये देखते हैं कैसे डिज़ाइन किया गया इसको। यहाँ पर सांप भी हो सकता है इसीलिए अच्छा से देख दाख के जाना पड़ेगा। और ये किसको कैसे बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है पूरा देखो गाइस। ये जो मूर्ति है भगवान बिरसा का, चलो चारों तरफ देखते हैं अच्छा से। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस एक बिरसा भगवान का एक मूर्ति है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है नहीं गाइस। और यहाँ कुछ पेड़ भी लगा हुआ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल भी है और यहाँ पर जो ये जो पेड़ लगाया गया था और ये पेड़ सब जो है गाइस बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया है। और इसका जो है एक कवर था गाइस, एक कवर खुल गया है, कवर पूरा खुल गया क्योंकि ये पेड़ बड़ा हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ो, बिरसा मुंडा उद्यान मुसाबनी का पर्यावरण संरक्षण एवं साफ सफाई के लिए ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ पेड़ सब भी लगा हुआ है गाइस। दोस्तों यहाँ पर इसी ग्राउंड में ही वाटर चैनल यहाँ पर है, यहाँ पर इसका वॉल्व है। एक और इम्पोर्टेंट बात गाइस, यहाँ पर तो बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, देखो यहाँ पूरा चारों तरफ पेड़ लगा हुआ है। और इसके अलावा आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ का जो स्पेशल है गाइस, यहाँ पर स्पेशल झूला, बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट झूले पे झूलने के लिए आते हैं। देखो ये झूला पहले यहाँ पर दो हुआ करता था, यहाँ पे एक और झूला जो है गाइस टूट गया। एक बार झूल के देखता हूँ कैसा लग रहा है। अरे नॉर्मली मैं कभी आता नहीं यहाँ पे झूलने के लिए, पर कभी कभी आ गया हूँ, बचपन में आता था लेकिन फिलहाल बहुत साल से नहीं आया हूँ। अच्छा लग रहा है झूला मजा है।
गाइस, इसके अलावा और कुछ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तो सबसे पहले बहुत सारा पेड़ यहाँ पर वन विभाग का अंडर ही ये वाला जगह आता है गाइस, इसीलिए यहाँ बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ कपड़ा वपड़ा सुखाने का देखो जो बैठने के लिए जगह बनाया गया, तो वहाँ पर भी और कपड़ा सुखाने का काम आ रहा है। यहाँ पर भी बैठने का कुछ जगह है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, और यहाँ पर भी बैठने का जगह है, बैठने का जगह है। और इधर देखो और आसपास में एक क्षेत्र है। इसके अलावा गाइस आगे जब बढ़ते हो तो देखो यहाँ पर बहुत सारा कचरा और डर भी लग रहा है, इधर सांप उप भी हो सकता है। देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला एक तो इमली का पेड़ गाइस, यहाँ पर इमली बहुत होता है, अभी भी शायद हुआ है पर नो इशू, इसको अभी हम लोग नहीं तोड़ेंगे और पकने दीजिए इसको, जो खाता है उसको खाने दीजिए, हमें नहीं चाहिए इमली गाइस, हमें इमली नहीं खाना, नॉट गुड फॉर द हेल्थ, इसीलिए उसको इमली को छोड़ो गाइस। अब आई थिंक उधर जो बिरसा मुंडा ग्राउंड है गाइस, छोटा सा क्लब भी बोल सकते हो, इसके पीछे बहुत सारा ये है, गाड़ी चलते रहता है, बहुत सारा यहाँ पे गंदगी है। और ये क्योंकि ठीक बिल्कुल मेन रोड है ये वाला मेन रोड है, स्टेट हाईवे है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा गाड़ी चलते ही रहता है गाइस। तो चलिए और देखो क्या दारू का बोतल कोई पी के फेंक दिया इधर। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अभी मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, आपको इस ग्राउंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें था मैंने शेयर किया गाइस, और वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।